बने रहिए हमारे टिल साथ। देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड आप लोग सब्सक्राइब टू वो आवर सब्सक्राइब YouTube करने को चैनल। भाई सब्सक्राइब करने की बोल दो भाई, प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी व्लॉगर्स। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अभी एज यूजुअल एडिटिंग कर रहा हूँ। वीडियो जाने वाला है कुछ देर में आज का। खूब सारा प्यार दीजिएगा इसको। और तू भी बाहर बालकनी में बैठी है, चिल कर रही है, थोड़ा सा पानी नहीं पी रही है। आती है तो मिलाते हैं आपको, या तो हम जाते हैं अभी तो मिलाते हैं आपको। दोस्तों आज सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है। क्या बन रहा है नाश्ते में? तू तरोई, तुरई की सब्जी। दोस्तों तरोई का नाश्ता होगा, मजा आएगा खा के। दोस्तों नाश्ते में मैंने सोचा है कि जब दिन में कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं तो नाश्ते में ही लंच कर लिया जाए। और गर्मी में तो तरोई वरी खाना चाहिए, पानी से भरपूर सब्जियां होती हैं वो खाना चाहिए, उससे हाजमा भी सही रहता है, पच भी जाती है सही से। फिर तो बुढ़ी हो गई है बोल रही है। दोस्तों अभी नाश्ता पानी करेंगे, फिर देखते क्या करना है आगे। तो हमारी पत्नी जी बहुत मेहनत कर रही है सुबह सुबह। देखिए मेथी के लिए, मेथी के साथ आटा गूंथ चुका है और अभी रोटियां बन रही है इसकी। जरा बारीकियां बताइए इसकी, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ऋतु जी? मैं मेथी ज्यादा डालती हूँ, आटा कम डालती हूँ। हाँ, ज्यादा पानी एकदम से जैसे आटे में हम लोग डाल देते हैं वैसे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मेथी में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होता है तो पहले उसी से गूंदना चाहिए, फिर थोड़ा हल्का हल्का करके पानी ऐड करना चाहिए। दोस्तों 12:30 बज रहे दिन के और ऋतु उदास है क्योंकि 1 घंटे तक मिल नहीं पाएगी हमसे। क्यों नहीं मिल पाओगी बुबू? पार्लर वाली आई है, पार्लर वाली आई है। हम लोग का कुछ प्लान है जैसे आपको बताया था हमने। प्लान तो तब तक सफल नहीं होगा जब तक वहाँ तक चले नहीं जाए हम लोग, इसलिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं, करेंगे इस बार करके दिखाएंगे हम। 1 बज गए हैं और गर्मी बहुत है, मतलब काफ़ी गर्मी है। मुझे नहीं पता अभी उधर नॉर्थ साइड का चल रहा है, लेकिन बेंगलोर के हिसाब से तो काफ़ी गर्मी है। जैसे लोग बोलते गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन फिलहाल गर्मी का मौसम है, कुछ खाने का मन नहीं करता हम लोग का। सुबह तरोई रोटी खाई थी और इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ तरबूज खरबूज रस फ्रूट्स लेके आऊँगा, कोकोनट वाटर लेके आऊँगा। साउथ इंडिया रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि कोकोनट वाटर बहुत अवेलेबल रहता है जो गर्मी में बहुत राहत देता है। तो अभी जब तक ऋतु अपना पार्लर काम खत्म कर लेती है तब तक मैं फ्रूट्स लेके आऊँगा, फिर हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। तो शाम के 5 बज चुके हैं, चाय पानी का वक्त हो गया है। वो हमने बोला था 6 दीजिए, वो एक और दे दिए, छोटे छोटे तो है, सब खाएंगे, खाने जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग शाम का वक्त हो गया है क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रखा है, गर्मी थोड़ी निजात मिल रही है, तो हम लोगों ने लाया है समोसा। मैडम कि कोई इंसान सिर्फ इस बात के लिए 8 समोसे लेके आता है क्या? 7 समोसे लेके आता है क्या कि उसको दुकानदार पीटेगा? अब आधा घंटा उस दुकान पे खड़े रह के समोसा बनवाने के बाद अगर मैं उसको बोलता कि 2 समोसे चाहिए भैया तो पीटता ही ना। ना दोस्तों, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अपनी बात कोई नहीं पीट सकता आपको, अपनी बात आप ढंग से बोलते हो उनको कि भैया हमको चाहिए 2 समोसे ही, पर हम आपको भी इमोशनल सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं। तो मेरा खुद का जमीर नहीं मानता ना फिर? हाँ, जमीर नहीं। 1 समोसे में पेट भरता है? कहीं बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पेट भरता है 1 समोसे का? कितने समोसे खाई हो तुम? पेट भर जाता है हमारा। कितने समोसे खाई हो? खाए, अब आ गए थे तो निपटाने पर। ऐसे निपटाने के लिए नहीं खाओ तुम, निपटाने के लिए क्यों खाती है आप? क्योंकि दोस्तों आप देख ही रहे हैं मैं कितनी जबरदस्ती करके कल इनको ले गया था और आज भी कितनी जबरदस्ती करके समोसा खिलाया हूँ। दोस्तों इनको समझ नहीं आता है क्या? दोस्तों यहाँ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिट हो जाऊँ और यहाँ पे हमारे प्यारे पति हमको चाचा। तो मंडे से सोचे ना हम लोग? मंडे से नहीं सोचे हैं। कल कौन ले गया था जरा बता दीजिए सब्सक्राइबर्स को एक बार कि कल छोले कुलचे और वो खिलाने कौन ले गया था? सुनिए मेरी बात, अब कल से मैं वॉक पे जाऊंगी लेक के पास। सारे शाम के प्लान कैंसिल हो चुके हैं जो आपको सुबह से ये बहका रहे थे कि तो हमारा प्लान है। मेरा कोई भी, खुद भी कैंसिल की हो, कितनी वो मैं कहाँ जाली हूँ, तो बोले बहुत काम है। काम तो मुझे है, अब कल ही चला जा पाएगा। हमको कहा ब्लेम कर रही है? पर हमने तो बताया नहीं था ना दोस्तों को कि कुछ प्लान है। हमने भी बोला था दोस्तों को कि अगर इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना दोस्तों, मौसम तो अच्छा हो रखा है, अब वीकेंड है तो वीकेंड में बेंगलोर का मौसम भी ऐसा हो जाता है कि शनिवार संडे को कहीं बाहर निकलने नहीं देता हम लोग को। दोस्तों आपके पास आने वाले हैं अगले वीकेंड को कुछ ट्रैवल ब्लॉग।
यस दोस्तों, हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आपको नहीं बताएंगे। वाला एक्साइटेड दोस्तों, डिनर टाइम होने वाला है और आज हम लोग दाल चावल खाने जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। आज थोड़ी सी भूख लगी भी है, आज थोड़ा सा तबीयत सही भी हुई है, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं तो। ऋतु आप कैसा फील कर रही है आज? मुझे थोड़ी लग रही है भूख खुल गई है, अच्छी बात है ये तो। हाँ दोस्तों, इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। थोड़ी सी बारिश भी हो रही है बेंगलोर में, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। बहुत सुहाना मौसम हो रखा है दोस्तों, अभी थोड़ा सा बंद हो गई है, अभी तक हो रही थी। बादल भी देख सकते हैं आप, तारे नहीं है बिल्कुल। तो यही है बेंगलोर का मौसम, वीकडे में सारे बादल भी काम पे जाते हैं और वीकेंड में वापस आके फिर बरसने लगते हैं, ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकल पाए। तो फिर देखते हैं, अभी खाना पीना खाते हैं। एक नई सीरीज चालू कर ली है हम लोगों ने, काफी वारियात सी, बिना सर पैर की, बट फिर भी अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है देखने में। तो वही देख रहे हैं हम लोग, टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, दाल चावल खा के हम लोग बैठे थे, और अभी पारितोष और आरुषि आ रहे हैं, इनके हम लोग गए थे कोरमंगला में कल परसों में, ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो वो लोग अभी आ रहे हैं घर पे। फ्राइडे नाइट का प्लान था हम लोग का, सब लोग साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, बट लेट हो गया बारिश की, थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश में मतलब बेंगलोर में अगर बाहर है कोई तो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जा सकता, वो 3-4 घंटे का जाम तो होता ही है। तो इसी वजह से परितोष लेट हो गया, क्योंकि ऑफिस गया था। तो अभी वो लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा मिल लेंगे, आपको भी दिखाएंगे, उसके बाद ये ब्लॉग खत्म कर देंगे। बोलो आ गया है हमारे घर पे से। हेलो 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 अली भाई, अली भाई ये सब पानी पियो। दोस्तों पारितोष और आरुषि आए थे, हम लोग बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। रात काफी हो चुकी है, टाइम नहीं बताएंगे क्योंकि मम्मी पापा भी व्लॉग देखेंगे तुमको टेंशन हो जाएगा इतनी रात में क्यों जगे हुए लोग, और हमारी नींदें उड़ा गए, खेलते सो गए हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं आपको कल, बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब करने को भाई, सब्सक्राइब करने की बोल दो बात, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। दोस्तों शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर महादेव, प्रभु के नाम रखे आप सबके, बाय बाय।